नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2024 इन इंडिया और हमारा मिड कैप। बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जहां पे उनका स्मॉल कैप के प्रति थोड़ा सा फेवरेबल एक माइंडसेट होता है, लेकिन हम आज बात करेंगे टॉप के मिड कैप जो कि एज सिमिलर स्मॉल कैप की तरह ही रिटर्न्स बना के दिए हैं। लेकिन अगर हम लोग वॉलिटिलिटी और रिस्क के मामले में बोले तो स्मॉल कैप से ए थोड़ा सा कम रिस्की होता है, क्योंकि इसके जो पैसे होते हैं ना वो 101 से लेकर के 250 कंपनियों के बीच में पैसे जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा स्मॉल कैप से कम रिस्की होता है, क्योंकि स्मॉल कैप में 250 के ऊपर वाले जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनमें पैसे जाते हैं। तो पेनी स्टॉक से तो बेहतरीन है मिड कैप में पैसे इन्वेस्ट करना। बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि सर मिड कैप, बहुत सारे मिड कैप है हमारे यहाँ, उन मिड कैप्स में सबसे बेहतरीन मिड कैप कौन है, किसमें पैसे हमें इन्वेस्ट करने चाहिए, किसने अच्छा रिटर्न्स बना करके दिया है। आज ए टू जेड सारा इन्फॉर्मेशन को कवर करने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे पूरे मिड कैप के कैलकुलेशन पे। सिर्फ एक दो मिड कैप मैंने नहीं लिया है, बहुत सारे मिड कैप यानी लगभग ऑल मिड कैप्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, दोनों के परफॉर्मेंस चेक किया है और उसमें से हम लोग छांटेंगे कि बेस्ट 3 मिड कैप कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो भाई साहब रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इस तरह के कॉन्टेंट रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कि हमने कुछ मिड कैप के यहाँ पे आप बड़े में देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पे मिड कैप का मैंने बहुत सारे कैटेगरी लिया है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है आदित्य बिरला है। आदित्य बिरला जो है, आपको दो चीजें देखने को मिल रही होगी, एक तो ग्रीन और एक ब्लैक कलर में, और यहाँ पे रिटर्न्स के मामले में आपको देखने को मिल रहा है कि रेड और ब्लैक। जिसमें रेड है इसका मतलब है कि उसने अपने बेंचमार्क से बिलो रिटर्न्स बना के दिया है, और ऐसे जो ग्रीन है उसका मतलब है कि भाई इन्होंने अपने बेंचमार्क से अधिक रिटर्न्स बना करके दिया है। तो आप इन सब में से आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे मैंने लिए, आदित्य बिरला, एक्सिस, बंधन, बड़ोदरा, कैनरा, डीएसपी मिड कैप, इन सब का अगर देखें यहां से यहां तक, तो आपको रेड यानी एक साल के अंदर इन्होंने अपने बेंचमार्क से भी कम रिटर्न्स बना के दिया है। वहीं पे अगर इन सब की बात करें, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एचएसबीसी मिड कैप, ये अपने बेंचमार्क से अधिक रिटर्न्स बना के दिया है, इसने अधिक रिटर्न्स बना के दिया, लेकिन जितने रेड हैं उसने क्या किया, अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न्स बना के दिया है। अब इनमें से हमने 5 मिड कैप लिए हैं, लेकिन क्या पांचों सही हैं? पांचों में से हम लोग सिलेक्ट करेंगे बेस्ट 3, और कौन से ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिसमें आपको सिलेक्ट करने होते हैं। तो बेस्ट 3 हमने सिलेक्ट करना है, 5 में से 5 लिया हमने। अब आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे बहुत सारे मिड कैप फंड है, बहुत सारे मिड कैप फंड है, और इन सभी मिड कैप फंड में से हमको क्या करना है, 5 सिलेक्ट करना है। आपको देखना बहुत सारे मिड कैप फंड मैंने लिया है, लगभग 100 ऑल हमने मिड कैप लिया है, लेकिन इनके रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं रहे, ये अपने बेंचमार्क से भी कम रिटर्न्स बना करके दिए हैं। अब इनमें से 5 सेलेक्ट करेंगे, 5 जो हमने, जो कि अपने ओवरऑल सरकमस्टांसेस में अपने 10 साल के लॉन्ग ड्यूरेशन में भी अपने बेंचमार्क से अधिक रिटर्न्स बना करके दिया है। अब उनमें से हम बात करेंगे तो कौन सा क्राइटेरिया है, आपको अगर बोला जाए कि भैया आप ही सिलेक्ट करिए, तो मैं सारे क्राइटेरिया को लोग चेक करेंगे, कौन से क्राइटेरिया है कि एज ए इन्वेस्टर आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान देना होता है, चेक करना होता है, ताकि आप एक बेस्ट इन्वेस्टर बन सके और अपने म्यूचुअल फंड्स का बेस्ट सिलेक्शन कर सके। अब इनमें से जो मैंने लिया है वो 5 को लिया हमने, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 5 हमने लिया है। अब इन 5 में से देखिए, सबसे पहली चीज कि एडेलसिस ने अपने बेंचमार्क से अधिक रिटर्न्स बना के दिया, यहाँ पे देखने को मिल रहा है 64% का बेंचमार्क ने इसका 57% रिटर्न्स बना के दिया। वहीं पे इसमें भी 67% का महिंद्रा मेनुलाइफ ने बना के दिया। और एक बार और आपको इन पांचों में से जो 3 सेलेक्ट करने, हमने 5 सेलेक्ट किया अभी, इसमें से 3 हम लोग सेलेक्ट करेंगे। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि इनमें से आपको बेस्ट कौन लगा। मोतीलाल ओसवाल ने 67% रिटर्न्स बना के दिया है, और इसने महिंद्रा ने आपको दिया है 59% रिटर्न्स बना करके। वहीं पे इसने दिया है एक अच्छा रिटर्न्स बना करके। अगर हम बात करें यहाँ पे आगे तो 59% रिटर्न्स बना के इसने दिया है, 57% का इसका बेंचमार्क रिटर्न है एक साल के अंदर सबका, क्योंकि सारे मिड कैप का, तो 57% का रिटर्न्स है 59.95 का।
ओवरऑल की बात करें तो इसने लगभग 5 साल के 10 साल के अंतराल में सबने लगभग 20-22% का रिटर्न बना के दिया है। और जबकि अगर बात करें निपोन अपने बेंचमार्क से भी, मतलब लगभग बेंचमार्क इसका 20.10 है और बेंचमार्क से अधिक रिटर्न बना करके इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 64% 65%, यहाँ तक कि क्वांट ने तो 74% के रिटर्न बना करके 1 साल के अंदर दिया है, 35% 3 साल के अंदर बना के दिया है, 5 साल के अंदर इसने 37% के रिटर्न बना के दिया है एंड 22% रिटर्न बना के दिया है। अब इनमें से अगर हम बात करें कुछ क्राइटेरिया है जिसको हम लोग सेलेक्ट करें, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम लोग बहुत सारे रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस है जो कि सेबी का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि भाई सेबी बोलती है कि आप रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस को ध्यान देते हुए ही क्या करिए, म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले चीज कि ये 3-5 साल का है और ये 3 साल का है, तो आपको ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पे 1.14, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ये बढ़ते हुए नजर आ रहा है दोनों, अगर शार्प रेशियो और अल्फा की बात करें, यहाँ पे अल्फा थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एडवाइसिस का घटता हुआ आ रहा है। उस पर बात करें महिंद्रा मेन लाइफ का, तो महिंद्रा मेन लाइफ में देखिए यहाँ पे ये भी थोड़ा सा घटते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे महिंद्रा मेन लाइफ का भी। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसका, देखिए 5 और 1.2 है यहाँ पे देखेंगे तो 11 बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मोतीलाल का, और ये भी आपको एक अच्छा इंक्रीजिंग में देखने को मिल रहा है। तो ये वाले फंड्स को थोड़ा सा हम बेहतरीन मानते हैं। वहीं पे अगर अल्फा की बात करें 5 साल में तो 2.32% है और वहीं पे 1.09 है शार्प रेशियो, ये देखिए तो ये भी बढ़ता हुआ 4.18 हो गया है निपोन इंडिया ग्रोथ का, और यहाँ पे हो गया है 1.59। ये भी फंड्स में देखें तो थोड़ा सा ग्रोथ संभव है। अगर बात करें यहाँ पे देखिए 11 है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम नजर आ रहा है क्वांट का, लेकिन थोड़ा बहुत ही डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, बाकी चीज देखें तो ठीक है। अब इनमें से हम लोग 3 फंड्स को अगर सेलेक्ट करना चाहें तो आपको मोतीलाल ओसवाल, निपोन इंडिया और क्वांट में हम लोग 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको 5 में से इनमें से कौन बेहतरीन लगा ये आप जरूर बताइए। मेरे हिसाब से इनमें से हमने 3 को जो बेस्ट 3 है उनको मैंने सेलेक्ट किया है, बाकी आपके अकॉर्डिंग कौन बेहतरीन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम तीनों की बात करें, तीनों के अदर इंफॉर्मेशन को चेक करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पी रेशियो सबसे अधिक देखें तो यहाँ पे मोतीलाल का है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्न पी रेशियो, अब यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि 1 रुपये कमाने के लिए आपको 55 रुपीज खर्च करना पड़ेगा मोतीलाल ओसवाल में। वहीं पे निपोन में 1 रुपये कमाने के लिए 27 रुपये खर्च करना पड़ेगा। वहीं पे क्वांट की बात करें तो 26 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अब हम लोग पी रेशियो के बेसिस पे देखें, पी रेशियो के बेसिस पे तो आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, निपोन और क्वांट। एनुअल टर्नओवर की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल के अंदर बहुत ज्यादा बाइंग और सेलिंग होती है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं स्टॉक्स के अंदर, और इसने अपने पूरे पोर्टफोलियो में 24 स्टॉक शामिल किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरह बात करें निपोन इंडिया का तो भाई कितना लिमिटेड स्टॉक है, 24 है, तो बहुत ज्यादा जितने कम स्टॉक्स होते हैं उतनी ज्यादा क्या होती है रिस्क होती है, बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग है भाई। बात करें मोतीलाल ओसवाल में तो निपोन इंडिया में तो निपोन इंडिया में 20% का एनुअल टर्नओवर, यानी एक बात करें कि परचेज और होल्ड की प्रोसेस अपनाती है कौन, निपोन इंडिया। यहाँ पे परचेज की और परचेज करके लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने की प्रोसेस जो है ना वो क्या करती है निपोन इंडिया करती है। इसमें 96% 96 स्टॉक शामिल है, तो ये थोड़ा सा हमारे हिसाब से निपोन इंडिया एक बेहतरीन ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है वहीं पे। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना वो मैं करेंट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में इसके रैंकें चेंज होते रहती हैं, बदलती रहती हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पे तो इसमें देखें तो 26% या इसमें तो बहुत ज्यादा लगभग 200% करीब फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है, बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिलती है स्टॉक्स के बीच में, लेकिन 26 स्टॉक इसमें शामिल है। तो इन तीनों में अगर हमको एक स्टॉक सेलेक्ट करना हो तो हमारे लिए निपोन इंडिया बेहतरीन स्टॉक्स नजर आ रहा है। उसके अलावा बात करें अगर हम लोग मार्केट कैप की तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप निपोन इंडिया के देखें तो लार्ज कैप में लगभग जो है वो पैसे 19% करीब पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, 13% यहाँ पे 19% करीब पैसा इन्वेस्ट हो रहा है लार्ज कैप के अंदर। मिड कैप के अंदर
आप 65% कम से कम पैसे आपको इन्वेस्ट करने ही करने हैं सेबी के एक रूल के अकॉर्डिंग अगर मिड कैप है तो निपोन इंडिया में ही है। अगर बात करें निपोन इंडिया का हम लोग कंपनी कौन कौन से होल्ड करती है, तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनी हमने लिया है, पावर फिनेंस, सोला फिनेंस, सुप्रीम इंडस्ट्री, फोर्ट इंडस्ट्री, फोर्ट प्रेस्टीज, जहाँ पे आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। और इन सारे कंपनियों यानी लगभग इसने 96 कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करती है, 96 कंपनी में सबसे अधिक कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करती है, पोर्टफोलियो को बहुत तेजी से बहुत ज्यादा ही डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करती है। अब आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि भैया इसमें से कौन आपको बेहतरीन फंड लगा, इसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, इसमें आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। वीडियो पसंद आती है तो वंस अगेन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।